इम्तिहान दुनिया च आसुन तो मेरी मुसलमान माओ और बहनों असद हालात वो जे आए ही नहीं असा तो अल्लाह पाक खाने से रोटी देना चाह पे पीने चीड़े सोने पे पाने रहने से सोने कोठे मिले धियाँ पुत्र अल्लाह पाक चाह देते हैं कार खाने से हर चीज़ मौजूद है कोई सख्ती नहीं कोई परेशानी नहीं कोई अजी टेंशन नहीं फिर भी अल्लाह माफ़ करे अज मेरिया मामा भैणा अज मेरे पिरा दीन को दूर हो गए अज नमाज वक्त ते पढ़ने ना साढ़े को टाइम नहीं अज कुरान करीम की तिलावत करने ना साढ़े को टाइम नहीं अज जनानिया सोना पाया साल बाद जकात कटने से तैयार नहीं अल्लाह पाक बहुत सारा माल देता पट्टियाँ पैसे किन्ने कोठे पर चंगे बढ़ाने सोने ते जड़ाना वालियाँ ते जड़ाना टिक्के दी सारिया चीज़ा फजूल पर बढ़निया पैसा कोल मौजूद है ना माँ हज करना चाहनी है ना प्यो हजिया से तैयार है ना धियाँ पुत्र हजिया से मिलने से तैयार हो याद रखियो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी सख्त वही सुनाइए कि जिस आदमी को हज मिलने से पैसे ज़रूरत न सामान भी ज्यादा राह भी मौजूद नहीं वेना नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अगर ये हज नहीं करना ये बहुत बड़ी बुरी मौत मरसी इधर भी परेशान मरने तो बाद आखिरत भी बड़ी सख्त पकड़ो सी अल्लाह ते अल्लाह ने रसूल साढ़े फैदनिया गलत दसियान ऐसा से मुसलमान माओ और बहनों आज रोजा रमजान न महीना है और नेड़े गुजरा तकरीबन दावी ताड़े पहले रोजे आए रोजे ने भी लोग इतने परेशान जी रोजे सकुत उन जी हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रोजे इस वारी आए भी चंगे गुजारने भी सुखले आए अल्लाह पाक ने नेम तभी वाफर मकदार चाहिया अल्लाह माफ़ करे आज जुबान चुना शुक्री ने बोल बाउन तो शुक्र गुजारी ने बोल नहीं कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है मैं उन सुबह सुबह यकीन करूँ मेरा रब जानना मेरे घर वाली आलिया भी तुसने कॉल बैठी है बयान पर सुन रही है मेरी मामा भैन ये इन्हें जब कोई सुबह नाश्ता पर करने तो मैं घर आया एक ही गल है क्या किए मैं आका तेरे ते मेरे हाथ रोग होन अखियाँ ठीक ठाक होन जुबान जिसम ने एक ही चीज़ सही वे मैं आका अल्लाह ना करी हूँ हाथ साढ़ा एक नौ व्या तो रोटी कैजा खावा अल्लाह ना करे अखियाँ ना होवान तो वेखा कैजा असं इे तस्करे पर तो नाश्ते से करने तो मैं उन्हें आने वेखो अल्लाह सा जिसम सलामत दिते मेरी जबान सही वे मेरे होठ दन सही मेरा निज़ाम मैदा सही वे मेरे जिसम ने एक एक उजवा एक एक पोरा सही वे तो मां चाइना केस ते एक एक साथ तो मैं लख वारी भी शुक्र अदा करा तो अपने रब ने शुक्र अदा नहीं कर सकना इस वास्ते हदीसे पाक च आना अगर एक बंदा सजदे जमने तो बाद सजदे टैपे वे तो मरने दम तक अगर सौ साल जिंदगी वो सजदे पे आ रहे वे और कम ही कुछ ना करे ना खावे ना पीवे ना सोवे सिर्फ सजदा करे अल्लाह पाक उसा जीना रखे खाने पीने तो बेगम कर चुड़े लिखे आ हदीस कि अगर वो सारी जिंदगी सजदे रहे क्यामो दे ताले फिर भी वो अपने अमुला घट समझ सी कि मैं तो कुछ अमुल किया ही नहीं याद रखो मेरी मुसलमान माओ और बहनों असा तो कुछ दीन के अंदर पाबंदी दसी गई सख्ती नहीं पांच टाइम नमाज है नमाज वक्त कितना लगना है जी एक घंटा टोटल सारिया नमाजा लगना अगर सही नमाज पढ़ी वजे और अल्लाह माफ़ करी जी गुरु नमाजा साढ़िया मामा भैन याद कीतियां रटियां न तलफ़ सही ना उन्होंने माँ ना पता कि अल्फाज केड़े पे पढ़ने रुको सुबहाना रबी अल आजीम आने ना माँ ना की वे समी अल्लाह उलिमन हमीदा आने ना माँ ना की वे हाँ रब्बा ना अकल हमद आने ना माँ ना की वे माँ ना कम अज़ कम याद होवे तो नमाज आदमी नहीं चंगी होवे नहीं और याद ही असा नहीं न रुको साढ़े चंगे न सजदे चंगे बस सेतियाँ जी तू चौवा मिनटा के अंदर वजू करने एहतियात नहीं खलता खलता वजू किया पानी दिन छट्टा पे उठिया चीड़े तो पे पहनिया हाँ मुँह सही नहीं धोता हालांकि मुँह धोना हाथ धोने मसा करना पैर धोने फर्ज हो ये चार वजू ने फर्ज हो अल्लाह ना करे एक वजू ने फर्ज भी उस कमी को होता यो ही वजू तकमील तक नहीं पहुँचना मुकम्मल नहीं होना जब वजू ही तुसा ना मुकम्मल नहीं चारा दाम ही मुकम्मल नहीं तो तुसा नमाज कि तू सही हो सी अज मारिया मामा भैने इस गल नहीं वेखनी भाई अस्तंजा खाना अस्तंजे वेणे ने आदाब असा पते होना चाहिए कि भाई लैटरीना वेणे ने आदाब कहजन वेणे तो पहले केड़ा पैर रख सा केड़ी दुआ असा पढ़नी चाहिए और फिर निकलने टाइम ते की करना चाहिए अस्तंजा किस तरह करना चाहिए सुन्नत आदाब अल्लाह ने महबूब जड़े दस कहजन अज मेरिया मामा भैन इसनी जुस्तजू नहीं करनिया मेरे पिरा नहीं करने फिर जिस वजू ने टाइम आना वजू तो गप्पा पर लगनियाँ तकरीर ला देने नहीं पता किड़ा अमुल पर करने सुनता कितनिया इस फरोज कितने मुस्ताब कितने इसने अंदर जड़ा मुफसदात कितने मुकरुआत कितने सारिया चीज़ा अज इन्हें तो सीखनी नहीं ना मैनों तो जिन्ना मेरी माँ भैन कोई करनी है जमात भी जिंदगी गुजर गई असं पवैने अज तक नमाज जिक्र हुई और जी उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की असं दीन ना कम भी पे करने और फिर नाल नाल कदे सोचा नहीं कि मेरी नमाज कुछ कम अज़ कम जान है या नहीं कोई नमाज पहले तो चंगी है या नहीं
पहले भी पेशीनी नमाज पांच मिनट लगने है तो हूँ भी पांच मिनट में पढ़ छोड़ना, पहले भी पंद्रह मिनट अगर लाने हैं कुफ्तनी नमाज तो हूँ भी पंद्रह लाना। मेरी मुसलमान माओ और बहनों और मेरे पिराओ याद रखो, नमाज उलमा लिखने की पहली नमाज दुई नमाज फ़र्क होना चाहिए। पहली नमाज अगर थोड़ी खुशू कमी आई दुई ने खुशू और खुजू होवे, अल्लाह नाल जलाना ताल्लुक, अल्लाह नी मार्फत, अल्लाह ना ध्यान, अल्लाह ना कुर्ब, अल्लाह ने नेड़े आदमी चला वजे नमाज खले तकबीर तारीमा क्यों आने क्यों लब तकबीर ना माना अल्लाह नी जलाना हमदो सना करनी अल्लाह ने किबरियाई बयान करी तहरीमा माना कि अल्लाह अकबर आखा तो हर चीज़ हराम हो गई है। हूँ मैं चाहना कि मैं पिछे ने ख्याल ना आना, मैं खाने पीने देने चीज़ा ना आना, अपने डंगर ना अपने कारोबार दिमाग ना बिठावा। हाँ वसावेस वसवसे माफ उन इस उम्मते जड़े अचानक आवे ना वसवसा आदमिया नमाज ख्याल आवेना पर जानबूझ के ख्याल आना कमे च लग्या लग्या कटवी पकड़ा पकड़ा छोड़ दी थी तो नमाजा तो लग पाए तो फिर कटवी जी ध्यान है, पारी ने बिच ध्यान है, चीड़ा जी ध्यान है, अगर खुशी ना मौका तो उसी जी ध्यान है। इस नमाज ने अंदर जान नहीं होनी फिर आदमी आना जान छुड़ाओ नमाज केड़ी बड़ो जान छुड़ाने वाली रस्मी नमाज समझ आई ने खाना पूरी वाली नमाज ए जिया नमाजा थे अल्लाह पाक की तरफ पकड़ तो आसी ने हदीस से जाना नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कई लोग नमाज पढ़ने तो नमाज उन बंदियां अल्लाह ने नेड़े खड़ने की बजाय अल्लाह को दूर कर छोड़नी है। वो नमाज कह जी होनी जेकर आज ऐसी मुसलमान मैं मस्जिदियाँ बहना मैं कुड़ना मेरे कुड़ने लड़की हुए लोग कहने पता नहीं मौली साहब साढ़े पीछे लग गया, मौली साहब किसी पीछे नहीं लग गया, मौली साहब मुसलमाना या नमाजा पर बहना कि चार फर्ज होंगे दो मिनट पढ़ के चले बहने इन्हें मुसलमाना पता नहीं नमाज है कि वे किसने दरबार चादरी है किस नाल मेरी मुलाकात। आज दुनिया ने किसी आदमी मुलाकात करना कोई अमरीके जो रिश्तेदार जनानी आ रहे हैं ना तो आदमी मिलने वे ना तो कार चंगा जोड़ा पाना चंगा मेकअप जनानियाँ लानियाँ चंगे बूट तो चंगे जला चप्पल पानियाँ चंगी चीज़ा पा के बहनियाँ चंगी गड्डी च बहनियाँ नाल समान खड़नियाँ मिलने ने टाइम तो भाई ऐजा वंजा के अगली वेख के आके वाक्य भाई सोनी बन के आइए। मेरे मुसलमान माओ और बहनों मेरे पिराओ याद रखो दुनिया ने इंसाना मिलने से ऐसी वंजा तो बण थान के वंजा तो एक अल्लाह पाक ने नमाज अल्लाह ने मुलाकात रह गई है ए जी कि अल्लाह पाक ने मुलाकात करने से मेरा बंदा अल्लाह अन्ना तो मेरी बंदी मेरे सामने खले बण तन के खले खूबसूरत होकर खले अपने आप में सजा के खले ऐजा खले के बाद दुनिया ना ख्याल ही तो होवे हदीसे बाग जाना अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तरा फरमाया नमाज ऐजा पढ़ जिक्र अल्लाह पाकां पे अपनी अखियां नाल वेखना ए जी नमाज होवे फिर उसने रुको उसने सजदे उसना क्याम उसना कूद जबरदस्त तरीके नाल होवे ये उनकी वजह सिर तले की ठक चाह के कावे वो छाल अगे मार दी दुई जड़ाना सजदे च गया तो फटो फाड़ा ला एक सजदा पूरा नहीं किया तो दुई सजदियाँ पहुँच गए। कम अज़ कम दुआवा मेरी मुसलमान मावा बहन की दरख्वास्त है वो दुआवा सिख के नो वो दुआवा आग बढ़ना सी सिखा केड़िया दुआवान अल्लाह ने महबूब दसियान कि जिस वक्त रुको तो खलो जिस वाले कौमा करो उस टाइम समय अल्लाह उलिमन हमिदा रब्बना लकल हम हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी ई अल्लाह ने रसूल दुआ दसी है फिर ई दुआ दसी कि जिस वक्त सजदे जो उठो जलसा करो एक सजदा तो दूआ सजदा उन्होंने दरम्यान बहने आने जलसा करना जलसा माना बहना उधर बेहो तो की पढ़ो अल्लाह ने रसूल दुआ दसी अल्लाह मगफिरली वरहमनी वाफिनी वरजुकनी वस्तुरनी वजबुरनी वरफानी ई दुआ अल्लाह ने रसूल दसी। आज मेरी मामा भेणा भरावान दुआ याद नहीं इस वास्ते जलसा वाजिब है कौमा वाजिब है उस सही अदा नहीं करने उलमा लिखा जिस मर्द ना जनाने ना जिसनी जला नमाज ने अंदर कौमा और जलसा सही नहीं होया उसनी नमाज ठीक नहीं वाजिब उल इहादा उस दोबारा दोहरावे। मेरी मुसलमान माओ भेणा की दरख्वास्त है नमाज थोड़ी पढ़ो सोनी पढ़ो थोड़ी तो मराद ई नहीं कि चार फर्ज होंगे दो पढ़ो समझ आई ए जा नहीं नमाज पूरी तो मराद ई वे कि कदे नफुल नहीं पढ़ी ने कोलो तो कम अज़ कम जड़े फरोज ते सुनता ते वाजिब उन उन्हें सोना करके पढ़ छोड़ो ये उन नमाज सीखने का मौका अल्लाह पाक चाह देना आदमी सीखे पहले तो नमाज ने जड़े कलिमात उन सुबहानक अल्लाह उम्मत किन के आखिर सलाम तक ई आदमी सुनावे किसी आलिमा आलमा कुड़ी ग्राए महल्ले च उसा सुनावे किसी पढ़ी लिखी जनानियाँ सुनावे कि नमाज सुन मेरी नमाज सही है या नहीं। कई कई मुसलमान उन जिन्हें दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना ही सही नहीं आना उसने कई गलतियां पर करने और याद रखो कि कई ऐसी गलतियां जिन्हें नमाज इंसानी फासद होवे नहीं है नमाज होनी ही नहीं क्यों चीज़ें सीखनियाँ चाहिए इस वजह से मैं गल शुरू इस तो की है कि दीन ने अंदर सख्ती नहीं पाबंदी ने पाबंदी बस पाबंदी जिस कर गई थी इंशाल्लाह दीन से चलना उस वजह से आसान होवे थी। मैं गल पर ही करने कि जिस वक्त इंसान दीन से चल सी
अल्लाह की तरफों इम्तिहान आसोन। जिसल इम्तिहान आसोन उस सब्र करना पैसी। जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाक रसूल ने सा कलमा पढ़ा उस नबी के कहजे हालात आए, उन्होंने तियाँ के कहजे हालात आए, जैनब के कहजे हालात आए, उम्म कुलसूम रुकैया और फातिमा के कहजे हालात आए। नबी अलैहिस्सलाम ने मनने वाली सहाबियात उम्म अम्मारा, उम्म सुलेम, उम्म सुलैत, उम्म शरीक पढ़ो जनानिया ने वाकयात किताबन अंदर के कहजियाँ सख्तियाँ परेशानियाँ उन्हें दीन असें झीलियाँ। कल क्या मुन्ना त्याड़ा उसी मेरी मामा पैड़ा सुन के नो उन्हें जनानिया ना उन्हें मामा पैड़ा ना उन्हें साबियात ना सामना करना पैसी ने। वो तो सब को सवाल कर सुन कि ए जे दौर अल्लाह पाक पैदा किए कि जिस दौर खाने नहीं चंगी चीज़ें।